अब ये जो हम लोग लाइन में खड़े हैं ना, ये चौथी लाइन है। जैसे आप देख सकते हो, ये एक लाइन है, वहाँ पे एक लाइन है, वहाँ पे एक लाइन है। So hey guys, once again, welcome back to my channel. My name is Anis Mukhatam and you're watching AM Vlogs. So, ऐसे टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गुबेबा स्टेशन से और यहाँ से अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा मेट्रो स्टेशन। तो ये कार्ड यहाँ पे पंच करना होता है एंड हम लोग अंदर घुसते हैं। ये भाई अभी लगा रहा है मेरा कैमरा लेके, देखो वो पता नहीं कहाँ से चला गया। सो अभी गाइस हम लोग अल गुबेबा में हैं। अल गुबेबा से अपने को जाना है बर्जुमन, फिर बर्जुमन से रेड लाइन पकड़ के हम लोग को जाना है बुर्ज खलीफा। सो बुर्ज खलीफा के बाद हम लोग जाएंगे वहाँ से मॉल के अंदर से, रोड है, रास्ता है, तो मॉल के अंदर से पूरा हम लोग वहाँ पे टूर बता देंगे कैसे जाना है आपको, कहाँ पे जाना है और अलबेग कहाँ पे पड़ता है। चलते हैं फटाफट। आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मैंने सऊदी में खाया था, तो अभी हम लोग वहाँ पे ट्राई करने वाले दुबई में। अभी ट्रेन आ चुकी है, अभी इतनी कुछ रश नहीं है। तो इंतियाज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है तेरे को? फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं अलबेग खाने, क्योंकि अनिस ने ऑलरेडी सऊदी में जब था ये तब ट्राई किया था, बहुत बोरा था, अच्छा है। और इधर इतनी हाइप हो गई है दुबई में, ऑलमोस्ट वन वीक से ओपन हो गया है और इतनी रश है पता नहीं सकते। सो हम फाइनल अभी वन वीक के बाद आराम से जा रहे हैं। फुल रश रहेगी। तो वीक डेज में जा रहे हैं हम लोग, तो ट्राई करते देखते, अगर रश नहीं होगी तो बेटर होगा हम लोग के लिए भी, तो अपन जाके फटाफट वहाँ पर ट्राई करते हैं। तो गाइस जैसे मैंने बोला आपको कि अल गुबेबा से हम लोग पहुँचेंगे बर्जुमन, बर्जुमन से अभी हम लोग को जाना है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा में जाके वहाँ से आपको बताएंगे ऑन द वे कैसा है, क्या है, और आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसने मतलब बनाया ये रेस्टोरेंट वगैरह सारा, ये रेस्टोरेंट जो है वो फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है इन सऊदी, ठीक है। सो चलते हैं आगे, ओके, और इन्फॉर्मेशन दे दें। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं दुबई मॉल में, और ये जो एंट्रेंस है बाजू में, जैसे आप देख सकते हो ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से ये लग के ही ब्रिज है पूरा, यहाँ से 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर आपको दुबई मॉल जाना है ना, तो वहाँ से बस भी है नीचे से, वहाँ से एंट्रेंस के बाद है ना बस भी मिलती है, तो बस से भी आप ट्रैवल कर सकते हो वहाँ पे जाने के लिए। अगर आपको सीन एंजॉय करना है, दुबई एंजॉय करना है, तो ये 1 किलोमीटर जो चलने का है ना, ये पूरा डाउनटाउन का एरिया जो है, पूरा स्पेसिफिक डाउनटाउन का एरिया वो आपको पूरा दिखेगा चलते चलते, और बस वो एंजॉय करते करते आप चल सकते हो। और ये एस्केलेटर में भी चलना है तो सिर्फ आपको खड़ा रहना है और आपको भागना वगैरह करनी कुछ नहीं है। जब एंट्री होती है ना दुबई मॉल से, वहाँ से चलना है थोड़ा बहुत फूड कोर्ट के लिए, बट उतना भी चलना नहीं है, 5 मिनट का चलना है बस। तो यहाँ से तो एस्केलेटर है, एस्केलेटर के बस खड़े रहो और चलते रहो। जैसे ये भाई हमारे चल रहे, वैसे उसको बोला कि मैं चलो मत भाई, एस्केलेटर है तो उसका इस्तेमाल करो, सुनता नहीं है बात मेरी। सो अलबेग के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन सितंबर 1974 सऊदी का जो शकूर अल गजाला है, उन्होंने रिनोवेट किया था, और जो सबसे पहला ब्रांच था वो मक्का में था। आई डोंट नो एग्जैक्ट हिस्ट्री, बट मैंने जो सुना है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। अलबेग को आई थिंक 47 ईयर्स हो गए, तो घुस जाना मुँह में घुस जा। सबसे पहले जब मैंने टेस्ट किया था अलबेग का, तो काफ़ी मतलब एक यूनिक ही टेस्ट बोलते हैं ना उसका। मैंने सिर्फ खाया था उधर आइसक्रीम खाया था, कुनाफा खाया था, नगेट्स खाया था। नगेट्स का जो टेस्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है। आज हम लोग देखने वाले कि यहाँ पे नगेट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और इसको फास्ट फूड रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। सो लेट्स सी, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दुबई मॉल में, ऑलमोस्ट यहाँ से 5 मिनट लगेंगे पहुँचने के लिए, तो वहाँ से हम लोग देखते आगे। सो गाइस, एज़ यू कैन सी यहाँ पे डाउनटाउन का पूरा व्यू आता है, ये पूरा रोड है, बस अंदर पूरा वहाँ पे जहाँ तक जाएंगे वहाँ से मेन एंट्रेंस स्टार्ट होता है दुबई मॉल का। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दुबई मॉल के एंट्रेंस पे। दुबई मॉल के एंट्रेंस पे ही लिखा हुआ है फेस मास्क एंड सोशल डिस्टेंस रिक्वायर्ड। सो गाइस आई नो आप लोग बोर हुए रहेंगे, तो यहाँ से मैं पूरा एक टाइम लैप्स ले लेता हूँ फूड कोर्ट तक, तो या तो फिर सिनेमैटिक, आप देख लो दोनों भी, दोनों से एक चीज़ होगी। चलो और
और गाइस अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे बोर्ड से, ये बोर्ड से पीछे, ये बोर्ड से भी आप पता लगा सकते हो या फिर किसी और को पूछ सकते हो कि फूड कोर्ट कहाँ पे, तो डायरेक्टली आपको फूड कोर्ट पे ही जाना है। लेट मी टेल यू समथिंग, अब ये जो हम लोग लाइन में खड़े हैं ना, ये चौथी लाइन है। अभी बच चुके हैं 9 और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं अलबेग के लाइन में मेन एंट्रेंस होने के लिए। जैसे आप देख सकते हो ये एक लाइन है, वहाँ पे एक लाइन है, वहाँ पे एक लाइन है, खत्म गया। घुस चुके इधर, उधर से उधर जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे, फिर खत्म। अगर आपको मेन्यू देखना है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको मेन्यू देखने मिलेगा कि नहीं मतलब पता नहीं, लेकिन यहाँ पे स्कैन करने के लिए है, ये स्कैन करके आप मोबाइल में देख सकते हो मेन्यू। रुक रुक रुक, डेमो दिखा दो। ओके, ये अभी आ चुका है मेन्यू, इससे से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा क्या लेना है। सेकेंड स्टेज कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग ने, अभी थर्ड स्टेज में जाना है, यहाँ से वहाँ पे जाना है, तो आगे की और एक लाइन है। 2 hours later हम लोग ने अभी ऑर्डर कर चुके 3 पैकेट्स, वैसा है कुछ है नहीं कहीं पे लिखा हुआ, कितना ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग ने लिए हैं 3 पैकेट। अपना ऑर्डर यहाँ पे लिया, वेट इज ओवर। यार स्टाफ देखो यार, कितना स्टाफ काम कर रहा है, इतनी सारी रश है कि हम लोग ने एक पैकेट भूल चुके थे, तो मैंने सोचा कि हम लोग 4 मंगाते, लेकिन 4 के बजाय हम लोग 3 मंगाए। तो वापस से मैंने पूछा सिक्योरिटी को, तो एक और पैकेट मंगाना है तो जा सकते हैं रिटर्न, तो होता नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर उल्टा सुल्टा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी अपने। फाइनली इधर भी बैठ के खा सकते हैं ना? नहीं नहीं, आई गेस। सो फाइनली टेबल जो हम लोग को लगा था कि टास्क रहेगा ऐसा टेबल वेबल ढूंढने का, लेकिन अलहमदिल्ला टेबल डायरेक्टली मिल चुका है। ये हम लोग बाहर वाली एरिया में बैठे, ये पूरी एरिया है, ये बाहर वाली एरिया हम लोग बैठे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन लेना चाहूँगा इसका, बिकॉज इसने पहले कभी नहीं खाया, मैं तो खा चुका हूँ ऑलरेडी सऊदी में, तो मैं चाहता हूँ कि पहले भाई टेस्ट करे, इम्तियाज़ भाई, उसके बाद हम देखेंगे उसका रिएक्शन। इधर कुत्ते की तरह भूख लगी है और इन भाई साहब को सिनेमैटिक लेने के, पता नहीं क्यों। तो ये अलबेग का पैकेट आता है ऐसे, और इसके अंदर आई थिंक फ्राइज है, फ्राइज के साथ साथ नगेट्स है, नगेट्स के साथ हम लोग को ये 2 ब्रेड दिए जाते हैं, जो बन पाव है। अरे रख रहे उसको, बस हो गया, ले, भूख लगी है कुत्ते की तरह। ओ नगेट्स है और फ्रेंच फ्राइज है, फिलहाल तो यही मिल रहा है इधर। बिस्मिल्लाह वाला बरकत में। फ्राइज तो फ्राइज सही, भूख लगी है भाई, इसको तो भूख की परवाह ही नहीं है, कुछ खाने की परवाह ही नहीं है, हाइट बहुत कम है मेरे को तो। सो भी खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते, आओ बिस्मिल्लाह करने, फ्रेंच फ्राइज देखते कैसे, बिस्मिल्लाह करने। नॉर्मल है, अब बात करते इसकी, कैसा लग रहा है देखते। सो फाइनली, वैसे तो पहले मैं सऊदी के बाद आज मैं पहली बार दुबई में ये नगेट्स खा रहे वाला हूँ, क्रंची भी है और सॉफ्ट भी है, वही तो मेन इसका फॉर्म है बनाने का, जो सऊदी में खाते थे ना इसका टेस्ट मतलब बेहतरीन था। अब इसका वापस से हम लोग टेस्ट करने वाले, सऊदी की याद दिला देने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। इतना अच्छा, 10 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सऊदी की याद दिला दिया भाई, सऊदी की याद है यार। देखो मक्का में गया था तभी मैंने ये ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, जब ये शायद दोस्त लेके गया था मुझे, मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं था, वहाँ पे जो टेस्ट किया था ना सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है यार, मज़ा है, ज़बरदस्त है चीज़। अब कभी दुबई मॉल में आते हो ना, यू शुड ट्राई मैकडोनल्ड्स, KFC, सारे जो अलग रख सकता है तू इस चीज़ को लेके, अलबेग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन दुबई एक्चुअली राइट नाउ, सो आके आप ट्राई कर सकते हो। सो अभी हम लोग खाना एंजॉय कर देते हैं, मैं बाद में मिलता हूँ। सो फाइनली 1-2 पैकेट हम लोग ने खा चुके, तो कैसा था टेस्ट? अच्छा था, अमेजिंग, दिल खुश हो गया। सो फाइनली गाइज, मज़ा आई खाने के लिए, बहुत इन्जॉय किए, एंड कैसा लगा तेरे को इम्तियाज खा के? बहुत बड़ा कांड हुआ था हमारे साथ। वो कांड क्या हुआ था मैं आपको नहीं बोलूँगा, छोड़ जाने दो यार, मेरे को भी उतना लंबा वीडियो बनाना है नहीं,
बस ये समझ लो मजबूत कांड हुआ। बस ये समझ लो कि जब भी आप मॉल में या फिर कहीं पे भी जा रहे हो ना वीडियो शूट करने के लिए, तो परमिशन लेके जाओ, विदाउट परमिशन लोगे ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई होप ये जो अलबेक का मैंने ब्लॉग बनाया था आपको पसंद आया होगा। दैट्स इट फ्रॉम द स्टूडियो, आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, कुछ जो करना कर सकते हैं। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रन, मा सलामा।